पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में सौदे के हौसले हर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी सौदे संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुरादाबाद में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर DRM ऑफिस में तैनात कर्मचारी के द्वारा दोस्त के साथ मिलकर युवती के साथ छेड़छाड़ की गई और मारपीट कर युवती और उसके भाई से पैसे छीन लिए। आसपास के लोगों ने युवतियों को बचाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छेड़छाड़ कर रहे दोनों युवकों को थाने ले आई। पुलिस ने युवतियों से तहरीर लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल मामला जनपद मुरादाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित रेलवे स्टेशन के सामने का है, जहां पर गोंडा निवासी दो युवतियां अपने भाई के साथ दिल्ली अपने बड़े भाई के पास जा रहे थे। दिल्ली जाने के लिए मुरादाबाद से उन्हें ट्रेन पकड़ ली थी, लेकिन जब ट्रेन नहीं मिली तो वापस बस स्टैंड पर जाने लगी। इतने में रेलवे स्टेशन के सामने बने बियर बार के पास रेलवे कर्मचारी के द्वारा अपने दोस्त के साथ मिलकर युवतियों से छेड़छाड़ की गई और उनके भाई के साथ मारपीट कर पैसे निकाल लिए गए। युवतियों ने जब इसका विरोध किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई। आसपास के खड़े लोगों ने युवतियों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं माने। इतने में किसी ने सूचना पुलिस को दे दी और सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस शराब के नशे में धुत रेलवे कर्मचारी और उनके दोस्त को पकड़कर थाने ले आई। पुलिस के द्वारा पीड़ित युवतियों से तहरीर लेकर कार्रवाई की बात की जा रही है। और इस बच्ची का गोंडा बराइज क्या हुआ है? वहाँ से आए ट्रेन से फिर वहाँ से ट्रेन नहीं मिली, फिर मैं नीचे उतरा कि मैं पकड़ लूँगा, बस पकड़ के निकल जाऊँगा, जल्दी पहुँच जाएगा, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उसके बाद ये लोग मिल गए, फिर आज तो उन्हें दिल लगा दिया, पैसे मम्मी को गाली दिए और बस नहीं करने के लिए यही लोग कहते जो कुछ छीना भी ना भी है। हाँ, 1000 रुपये छीने। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। हाँ, क्या तीनों का नहीं, इनका पहले बार ले जा रहे हैं, बड़े वाले भी गया है वहाँ वो लड़का एक था और दो लड़कियाँ थे उसके पास में आए थे कि वो मुझे ऐसे ऐसे परेशान कर रहा है, तो वहाँ पर आके बताए तो वहाँ चौकी इंचार्ज भी मौजूद थे, तो उन्हें ले जा करके थाने पर छोड़ दिया। दो लोग थे वहाँ, दो लड़के उन्होंने बताया था।